बिंदी के पैकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर, सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे रिएक्शन। देश भर में इन दिनों चुनावी माहौल जोरों पर है। लोकसभा चुनाव की वोटिंग शुरू होने से पहले राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं के साथ देश की आम जनता पर भी चुनावी रंग देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव के करीब आते आते नेताओं के भाषण के साथ बाजारों का मिजाज भी गर्मा रहा है। लोग अपनी पसंदीदा पार्टी को जिताने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में पारस फैंसी बिंदी ने अपने बिंदी के पैकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ बिंदियों के नए डिजाइन मार्केट में लॉन्च किए हैं। इस पैकेट पर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह भी बना हुआ है। पैकेट के ऊपरी हिस्से में लिखा है, फिर से मोदी सरकार। सांसद मोहम्मद सलीम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बिंदी के पैकेट का फोटो शेयर किया। उन्होंने कैप्शन में लिखा, पेटम के ब्रांड एम्बेसडर अब पारस फैंसी बिंदी का चेहरा भी बन चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो के साथ पारस बिंदी के पैकेट की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर इस बिंदी के पैकेट को लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। विपक्ष पार्टी के लोग एक ओर जहां बिंदी के पैकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर देख मजाक उड़ा रहे हैं, तो कुछ लोग बिंदी के पैकेट को शेयर कर नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। एक यूजर ने पारस बिंदी के पैकेट को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, मोदी के भक्तों के लिए मोदी जी बिंदी, आगे और क्या क्या होगा, भगवान ही मालिक। एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, कैसे प्रपोज करें, मैं मेरे नाम की बिंदी लगाओगी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब लोग अनोखे तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपना समर्थन दिखा रहे हैं। इससे पहले भी कई लोग शादी के कार्ड पर नरेंद्र मोदी को वोट करने की अपील कर चुके हैं। हैदराबाद के एक कपल ने कुछ समय पहले अपनी शादी के कार्ड पर मैसेज प्रिंट करवाकर देश की जनता को लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करने की अपील की थी। बता दें, इसके अलावा भी साड़ियों पर मोदी जी और उनके द्वारा किए गए कार्यों को प्रिंट करके बेचा जा रहा है, तो मोदी राहुल प्रियंका की फोटो प्रिंट वाले जैकेट भी बाजार में आ गए हैं। हालांकि क्रेज मोदी जैकेट का ज्यादा है। सूरत के व्यापारी भी साड़ियों में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के साथ सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, पुलवामा शहादत की श्रद्धांजलि के प्रिंट कर बेच रहे हैं। महिलाएं इन्हें खूब पसंद कर रही हैं। लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव की वोटिंग 11 अप्रैल से शुरू हो रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मतदान की तिथि के करीब आते आते और कितने चुनावी रंग देखने को मिलेंगे।